नवशिक चैप्टर जो 12वीं भूगोल का चैप्टर कृषि चल रहा था, उस कृषि का अगला जो टॉपिक है उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो कृषि का जो चैप्टर था उसमें हम लोग पहले हमने कृषि की प्रकारों के बारे में पढ़ा, इससे पहले कृषि के कितने प्रकार होते हैं, और अब हम लोग कृषि फसलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कृषि की जो फसलें हैं उनको तीन भागों में बांटा गया, कृषि की तीन भागों को तीन भागों में बांटा गया। नंबर एक खरीफ की फसल, नंबर दो रबी की फसल, और नंबर तीन जायद की फसल। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा, खरीफ रवि और जायद ये क्या चीज है, यानी प्रकृति के आधार पर समय के अनुसार और ऋतु के अनुसार फसलों कृषि जो फसलें जो तीन भागों में बांटा गया है। पहली जो फसल हमारी वो थी रबी की फसल, दूसरी जो हमारी फसल है वो है पहली जो है खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल और तीसरी जायद की फसल। रबी की जो फसल है इसका इसका बीजांक कब करते हैं, इसको बीजते कब है, इसको हम लोग मानसून आगमन से पूर्व मई जून महीने में इसमें फसल का क्या करते हैं, बुआई करते हैं, मई जून महीने में इसकी बुआई करते हैं, और उसके बाद ये फसल पककर नवंबर तक लगभग तैयार हो जाती है, नवंबर महीने तक ये तैयार हो जाती है। यहाँ तो इसको क्या करते हैं, बीजते हैं, और यहाँ तैयार होना तो ये नवंबर महीने तक तैयार हो जाती है। खरीफ की जो फसल है इसमें मुख्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा कपास की फसल है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है क्योंकि इसको इसी महीने के दौरान लिया जाता है और ये नवंबर महीने तक तैयार हो जाती है। उसके बाद आती है रबी की फसलें, रबी की फसलों को हम लोग दीपावली के आसपास अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और ये लगभग मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाती है, मार्च अप्रैल महीने तक तैयार हो जाती है। और जो जायद की फसलें हैं, जायद की फसलें इन समय के बीच में जो टाइम निकलता है मध्यवर्ती समय में इसको बो देता है, यानी बीच में जो समय मिलता है उसमें इसको बो देते हैं। जैसे अभी मार्च अप्रैल हो गई और अगली फसल हमारी मई जून में बिजाई होनी है, तो दो महीने के अंदर हम लोग जैसे ककड़ी बीज दी या कुछ सब्जियां बीज दी, तो उस सब्जियों से क्या होगा, जायद की फसलें हमें प्राप्त हो जाएगी। रबी की फसलों के अंतर्गत चना है, जौ है, गेहूं है, प्रमुख फसलें। जायद की फसलों में मुख्य रूप से हम लोग तो जायद की फसलें हमें पता है मध्यवर्ती समय में, जब खरीफ की जैसे फसल है इसमें कुछ समय बच गया या रबी की फसल के बाद बीच में समय बच गया तो हम जायद की फसलें बीजते हैं। जायद की फसलों में मुख्य रूप से सब्जियां हैं, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, ये जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। ये थे फसलों के तीन प्रकार जिसके बारे में हमने पढ़ा, और इससे हमें ये तो था हमने मौसम के आधार पर बांटा, मौसम के आधार पर फसलों को बांटा। अब आएगा उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो ये तो थी बेटा ऋतु के अनुसार समय के अनुसार कृषि फसलों के प्रकार। अब है उपयोग उपभोग के आधार पर फसलों के प्रकार। उपभोग के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में 100% उठता है। ये चार प्रकार की होती है, ये कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। नंबर एक खाद्यान्न फसलें, नंबर एक खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें में जैसे गेहूं है, चावल है, मूंग है, बाजरा है, मक्का है, दालें हैं, सारी ये क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं। नंबर दो है बागवानी फसलें, नंबर तीन है नकदी फसलें, और नंबर चार है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें
तो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत जैसे मैंने बताया गेहूं है, चना है, चावल है, या जितनी भी दालें आती है सारी खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है। बागवानी के अंतर्गत सेब की बागवानी करते हैं हम लोग, सेब की बागवानी करते हैं, सॉरी बागवानी बागानी फसलें, बागानी फसलों में आता है चाय, कॉफी और महुआ। ये क्या है, बागानी फसलें में आते हैं, इनको बड़े बड़े बागान होते हैं इनके, और उस बागानों के अंदर से फसलें प्राप्त होती है और इन फसलों को बागानी फसलें कहा जाता है। उसके बाद है नगद फसलें, उसके बाद है नगद फसलें, नगद फसलों के अंतर्गत आता है कपा, नगद फसलों के अंतर्गत गन्ना, तिलहन, नगद फसलों के अंतर्गत गन्ना, तिलहन, राई और सरसों, इस तरह के जो फसलें होते हैं इनको नगद बेचने से नगद फसल पैसा प्राप्त होता है। और रेशेदार फसलों के अंतर्गत आता है कपास और जूट, कपास और जूट को रेशेदार फसलों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये फसलों को उपभोग के आधार पर फसलों को चार भागों में बांटा गया है, और हमने पहले मौसम के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा था। उपभोग के आधार पर चार प्रकार है, खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों के अंदर गेहूँ, चना, चावल, दालें इत्यादि हैं। बागानी फसलों के अंदर चाय, कॉफी, महुआ, इसका हम उपयोग करते हैं, बागानी फसलों के अंतर्गत आता है। नगदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, तिलहन, राई और सरसों ये आते हैं, और रेशेदार फसलों के अंदर कपास व जूट, जो भी रेशेदार फसलें होती हैं जिससे हमें रेशा प्राप्त होता है, जिससे हम लोग किसी भी कपड़ा वस्त्र उद्योग का संचालन करते हैं, उन फसलों को रेशेदार फसलें कहा जाता है। ये थे फसलों के प्रकार जो हमने उपभोग के आधार पर पढ़े। अब इसके बाद एक एक करके प्रत्येक फसल के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसे गेहूं है, चावल है, गन्ना है, कपास है, और चाय है, इसके बारे में हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये लेसन जब इन चारों फसलों के पांचों पांच फसलें हो जाएंगी जिनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ते ही हमारा ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ा लेसन था, अच्छा लेसन था, इम्पोर्टेंट था, इसमें से बड़े क्वेश्चन 100% आएंगे और अथवा में आएंगे, अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग इसकी तैयारी करें और जो तक आज तक काम करवाएंगे उसको आप रिपीट करें। अभी जल्दी ही आप लोगों से नोटबुक हम लोग चेक करने के लिए मंगवाएंगे, आपका काम देखें कितना अच्छा आपने काम किया है, अच्छा काम होगा, उस काम को हम लोग आगे, स्कूल अभी कोई खुलने के चांस नहीं, तो अभी तक अभी काफ़ी दिन तक खुलने के चांस नहीं है, तब तक हम लोग इस ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।